अगर मैं कहूं कि अनानास आप पहन भी सकते हैं और पैसे भी कमा सकते हैं तो ये शायद कुछ अजीब लगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अनानास के धागे की, जिसे पाइनएप्पल यार्न या पिना यार्न भी कहा जाता है। ये धागा अनानास के पौधों की पत्तियों से तैयार किया जाता है और इसे लेकर काशी की डॉक्टर अंगिका कुशवाहा ने एक शानदार पहल की है। उन्होंने इस अनोखे धागे से कपड़े तैयार करके बुनाई के क्षेत्र में नया आयाम स्थापित किया है। आप सोच रहे होंगे कि अनानास जो हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं उससे धागा कैसे बनाया जा सकता है। दरअसल अनानास के फलों के साथ साथ उसकी पत्तियों का भी बहुत महत्व होता है। फसल के बाद इन पत्तियों को आमतौर पर जला दिया जाता है या बेकार समझा जाता है, लेकिन डॉक्टर अंगिका कुशवाहा ने इन पत्तियों को एक नई दिशा दी। उन्होंने पत्तियों से प्राकृतिक रेशे निकालकर उसे धागे में बदलने का एक शानदार तरीका निकाला। सबसे पहले अनानास के पौधे की पत्तियों को तोड़ा जाता है, फिर इन पत्तियों को अच्छी तरह धोकर साफ किया जाता है। इसके बाद पत्तियों से रेशे निकाले जाते हैं जिन्हें धूप में सुखाया जाता है ताकि वो मजबूत और टिकाऊ बन सके। इन सूखे रेशों को प्रोसेस करके धागा तैयार किया जाता है। बाद में इन्हें प्राकृतिक रंगों से रंगा जाता है जिससे ये और भी आकर्षक लगते हैं। पाइनएप्पल यार्न के कई अनोखे गुण हैं जो इसे एक बेहतरीन विकल्प बनाते हैं। ये धागा एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल और नॉन एलर्जिक होता है, जिससे ये त्वचा के लिए भी सुरक्षित होता है। साथ ही ये धागा यूवी प्रोटेक्टिव होता है, यानी ये सूरज की किरणों से आपकी त्वचा की सुरक्षा भी करता है। रेशम के धागे महंगे होते हैं और हर किसी की पहुंच में नहीं होते, लेकिन अनानास के धागे से बनी साड़ियां एक किफायती विकल्प है जिन्हें आम लोग भी खरीद सकते हैं। पाइनएप्पल यार्न से बनी साड़ी की अपनी अलग खासियत होती है। ये धागा बहुत हल्का और मुलायम होता है। इसका कपड़ा भी हल्का होता है जिससे इसे पहनने में बहुत आरामदायक अनुभव होता है। साथ ही ये धागा प्राकृतिक चमक और पारदर्शिता के लिए होता है, जिससे इससे बने कपड़े में एक खास आकर्षण होता है। डॉक्टर अंगिका ने इस धागे को और भी अनोखा बनाने के लिए इसे कॉटन के साथ मिक्स किया है। कपास के साथ मिक्स करने से ये धागा और भी टिकाऊ और मजबूत हो जाता है। इससे बने कपड़े न केवल आरामदायक होते हैं बल्कि ये किफायती भी होते हैं। आजकल हम सभी पर्यावरण के प्रति जागरूक हो रहे हैं। फैशन इंडस्ट्री में भी ऐसे विकल्पों की तलाश की जा रही है जो पर्यावरण को नुकसान न पहुँचाए। पाइनएप्पल यार्न इस दिशा में एक बड़ा कदम है। ये धागा पूरी तरह से पौधों से तैयार होता है, नवीकरणीय होता है और बायोडिग्रेडेबल यानी आसानी से मिट्टी में मिल सकता है। इसके उत्पादन में किसी भी प्रकार के हानिकारक केमिकल का इस्तेमाल नहीं होता, जिससे ये पर्यावरण पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं डालता। पाइनएप्पल के धागे से बने कपड़े पहनकर आप न केवल स्टाइलिश दिख सकते हैं बल्कि पर्यावरण की सुरक्षा में भी अपना योगदान दे सकते हैं। पाइनएप्पल यार्न न केवल उपभोक्ताओं के लिए लाभकारी है बल्कि ये बुनकरों के लिए भी एक बड़ी उम्मीद लेकर आया है। इस धागे से कपड़े बनाने की प्रक्रिया में स्थानीय बुनकरों को रोजगार मिलता है। इससे न केवल उनकी आजीविका में सुधार होता है बल्कि बुनाई की परंपरा को भी जीवित रखा जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।